उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के डीएम का चश्मा छीन लिया गया बंदर। बारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में डीएम का चश्मा उतार कर बंदर ले भागा और छत पर जाकर बैठ गया। मथुरा में जन्माष्टमी पर हुए हादसे के बाद एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक बंदर ने अधिकारियों को खूब घुमाया। आपको बता दें कि बाकी बारी मंदिर परिसर के बाद डीएम और एसएसपी निरीक्षण कर रहे थे, तभी मौका पाकर बंदर डीएम नवनीत चहल के चश्मे को ले उड़ा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आम श्रद्धालु ब्रज में बानर सेना की शरारतों के शिकार रोजाना बनते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जो नहीं रेंग। जब आज एक बंदर डीएम मथुरा के चश्मा को लेकर चला गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। रविवार को मथुरा के डीएम नवनीत चहल का चश्मा एक बंदर ले उड़ा। अधिकारियों को कड़ी मशक्कत के बाद बंदर ने बहुमुश्किल चश्मे को वापस किया। दरअसल हुआ यूं कि ठाकुर बिहारी जी मंदिर में हादसे के बाद व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से पहुंचे डीएम नवनीत चहल व एसएसपी अभिषेक यादव और भारी पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण कर रहे थे, व्यवस्था पर मंथन कर रहे थे, तभी मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बंदर डीएम मथुरा का चश्मा उतार कर ले गया। जब तक डीएम और अन्य अधिकारियों को बंदर की हरकत का पता चलता तब तक वह बंदर ऊपर छत पर जाकर बैठ गया। डीएम का चश्मा बंदर द्वारा उड़ाए जाने के बाद अधिकारी और पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। अरे रवि रवि भैया सामने।